वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। फते हैं आप सुने, हमको ऐसा लगा कि जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या बना है तो सुबह में या दिन में कोर्ट होता था, शाम में बंटवारा हो जाता था। इस बार ना होना हमको भी कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि आखिर क्या बात। और जहाँ तक विस्तार का सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक दो वर्ष के अंदर ही हम विस्तार कर देंगे, तो दो घटक तीन घटक हैं इसमें, भाजपा हैं, हम लोग हैं, जदयू है। तो जदयू की तरफ से तो कोई नहीं है जैसा समझ में आया है, तो भाजपा से कहीं ना कहीं इस देने में विलम्ब हो रहा है। हमको मालूम हुआ कि दो बार दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, मामला शॉर्ट आउट हो गया होगा। और हम समझते हैं कि 5 तारीख तक विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। और 5 तारीख तक यदि हो जाता है तो इसको विलम्ब नहीं कहा जाएगा। माझी जी, ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था। और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है। और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं, अनिल सिंह 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए। और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंप्लीमेंट होकर के हम लोग मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। इस डिमांड यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा। और मगर मैं सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले, एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तोलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम NDA के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन
निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं। किसी ने 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि दो दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।